तुम्हारे ब्रदर ने क्या हुआ? सो ही काम चल रहा है। तुमने बात की उनसे? हाँ की तो है। क्या कह रहे? कुछ दिन मांगे उन्होंने, टाइम उतर रहे दो में। हाँ भाई फारूक, कहाँ चले? जा रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा आज ऑफिस में। शाह तुम अशरफ साहब से बात करना। हाँ उनसे बात कर, वो तुम्हारे मसला कर देंगे। भी सोच रहा हूँ से आता आज। चलो बताना मुझे बात करके। ये तो पिलाओ सिगरेट। हाँ और तुम तो पीते नहीं हो? पीता हूँ कभी कभी जब परेशान होता हूँ तो। तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, तुम दर्द हो ये ना कुछ और ही हो। तुम एक काम करो, छुट्टी कर लो आज। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं मैं ठीक। कहो तो मैं घर छोड़ दूं? नहीं मैं चला जाऊंगा। मैं छोड़ देता हूं। तबस्सुम जी ये देखें, मैंने खींची है। मैंने कहा था ना बहुत फोटोजेनिक है ये पिक्चर। मैंने कहा था ना आपको स्टार बनना चाहिए। आप चाहे तो मैं आपको भेज देता हूं, नंबर दीजिए। लेकिन अगर आपको शो के रीरन में रात को देखना है तो आप देख सकती हैं। नहीं रात में मुझे वक्त नहीं मिलेगा, आप मुझे भेज दें। नंबर दीजिए। 0300 जी। तबस्सुम जी सुना है आयला कोई रेस्टोरेंट खोल रही है। आपसे किसने कहा? नुमान ने बताया। मुझे तो नहीं पता, तो नुमान भाई को कहाँ से पता चल गया? उसके किसी दोस्त ने जिक्र किया था कि आयला ने किसी प्रॉपर्टी का पूछवाया उससे। रियली इंटरेस्टिंग। नमान कह रहा था कि हमें भी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, उसके पास कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि मैं भी इन्वेस्ट करूं। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम ये करने लगेंगे तो इससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। नुमान भी ये कह रहा था। ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, तो इसे सोचनी पड़ी कि मैंने अपने सारे पैसे अपने घर बनाने पर लगा दिए, तो फिर रहने देना। नहीं, नुमान का बहुत दिल है इसमें। वो अपनी जॉब छोड़ के ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे, तो उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। अगर मैंने उसे सपोर्ट ना किया तो वो नाराज ना हो जाए। ये उसके लिए बहुत अहम है, शायद हमारे लिए भी। फारूक, चाय लाऊं तेरे लिए? ठीक है। मैं अभी तो आया था, अब कहाँ जा रहे? आ जाता हूँ थोड़ी देर में, खाला की तरफ जा रहा हूँ। अजीब लड़का ये भी। तबस्सुम तो नहीं आई? बहुत देर हो गई है खाला, अब तक तो आ जाना चाहिए। हाँ, आ तो जाना चाहिए था बेटा, लेकिन कुछ देर सवेर तो हो ही जाती है ना। अब जन्नत जी की मसरूफियात ही कुछ ऐसी है। खाला दिन की नौकरी है, रोजाना शाम को आने की क्या जरूरत है? अगर आप कोई काम आ पड़े तो अब वो ना तो नहीं कह सकती ना जन्नत जी को। उनके इतने एहसान है हमारे सर पर। अब तुम्हारी नौकरी लगवाई और फिर हर दूसरे तीसरे दिन ना कुछ भेजती है। अगर उनको काम पड़े तो अब तबस्सुम कैसे कहे कि मैं नहीं ठहर सकती, मुझे घर जाना है? तू अकल को ना हाथ मार। चल बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ।